रूपा जी, बात करें यहाँ से अगर आप सोयाबीन की, तो सोयाबीन में आपको क्या लगता है, क्योंकि सोयाबीन की कीमतों में हमने हाल ही में एक हल्की सी करेक्शन आते हुए देखी है, क्योंकि हमने विदेशों के एक्सचेंजेस में थोड़ी सी नरमी आते हुए देखी थी, लेकिन US सोयाबीन में फिर से कीमतें धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्योंकि ज़्यादातर कंट्रीज़ ने तो अपने एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है, जिसकी वजह से अब जो सप्लाई है थोड़ी और टाइट रह सकती है, तो क्या ऐसे में अब सोयाबीन एकदम से उछाल मारेगी? देखिए, एकदम से तो फिलहाल तेजी एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि अभी हमने पीछे देखा था कि सोयाबीन की अगर हम बात करें तो मील के अंदर सोयाबीन मील के प्रोडक्शन में हमने तेजी आती हुई देखी है, और वहीं एक्सपोर्ट जो है वो काफी गिरे हैं, जिसकी वजह से प्राइजेस जो है वो सुस्त हो चुके हैं, या फिर यूं कहें कि ऊपरी स्तरों से हल्की गिरावट के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक्सपेक्टेशन यही है कि आगे चलकर हो सकता है कि यहाँ पर तेल की कीमतों में एक उछाल दर्ज किया जाए, जिस तरीके का अभी का सिनेरियो है उसके चलते एक पॉजिटिविटी हो सकता है कि आगे चलकर मार्केट में देखने को मिले। जी,